नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महबूबा मुफ्ती को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इनके बारे में कुछ नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। महबूबा मुफ्ती को जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यह स्थान उसके पिता महमूद सईद के निधन के कारण रिक्त हो गया था। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की पहली एवं दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दूसरे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाती घराना। दोस्तों, इनके बारे में नोट कीजिए नोटबुक में। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे। इस घराने के प्रवर्तीय उस्ताद नजी खां थे। गज्ञ नजी खां ने जयपुर की ख्याल गायकी को अपनी विशिष्ट शैली में विकसित कर यह घराना आरंभ भी किया था। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, बम नृत्य। दोस्तों, इसके बारे में कुछ नोट कीजिए नोटबुक में। बम नृत्य मुख्य रूप से अलवर भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, जो होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें बड़े नगाड़े बम का प्रयोग किया जाता है और रसिया गाए जाते हैं, इसलिए इसको बम रसिया भी कहते हैं। बम के साथ मंजीरा, खड़ताल, चिमटा, थाली आदि वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी एजुकेशन है, यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? चौथे का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़की। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ नोट कीजिए दोस्तों। यह मंदिर नुमा काष्ठ कला करती है, जिसके साथ कावड़िया बाहर विभिन्न धार्मिक कथाओं का वाचन करते हैं। यह एक चलता फिरता मंदिर है। कावड़ बनाने का कार्य मुख्यतः बस्सी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में खरीदी जाति के लोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के मांगीलाल मिस्त्री कावड़ निर्माण के सिद्धांत कारीगर हैं। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में राम जी की कावड़ लोकप्रिय है। तो दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासियों से प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। आदिवासियों से प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है? दोस्तों, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। साथ साथ में आदिवासियों से प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हलमा। दोस्तों, इनके बारे में कुछ नोट कीजिए। आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा हलमा अथवा हीड़ा कहलाती है, जिसमें दोस्तों परंपरा एक दूसरे के कार्यों को मिलजुल कर संपन्न किया जाता है। दोस्तों, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों,
वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये लगभग सभी को आता है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जाता है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्वत सर। दोस्तों पर्वत सर के बारे में, मेले के बारे में कुछ नोट कीजिए अपने नोटबुक में। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वत सर नागौर में दोस्तों में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के भाद्रपद अमावस्या तक आयोजित होता है। दोस्तों यह पशु मेला आमदनी के लिहाज से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यह पशु मेला नागौर नस्ल के गोवंश तथा बीकानेरी ऊँटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोना रसन किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। गोना रसम किससे संबंधित है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। साथियों करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। गोना रसम किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह से। दोस्तों गोना रसम के बारे में कुछ नोट कीजिए नोटबुक में। राजस्थान में बाल विवाह होने पर वधू ससुराल नहीं जाती है। वधू के वश से होने पर वह जब वर एवं उसके भाई बंधु को लेने वधू के घर आते हैं तो तथा वधू पक्ष वधू की विदाई पर उन्हें गहने कपड़े मिठाई आदि देते हैं, इसे गोना अथवा मुकलावा भी कहा जाता है। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन से पहले आपसे बता दूं बार बार, यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं दोस्तों, तो आपके हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आठवां करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। आठवां करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत सर के आसपास का क्षेत्र को दहियावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में नोट कीजिए कुछ, दहियावाटी पर्वत सर नागौर के आसपास का क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर इस वंश के राजपूतों का राज्य था। दहिया वंश के क्षेत्रियों ने इस क्षेत्र की संस्कृति को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, नौवें का आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। नौ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओढ़नी। दोस्तों इसके बारे में नोट कीजिए नोटबुक में थोड़ा, मोटड़ा राजस्थानी महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी है। लहरिया की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती हैं तो यह मोटड़ा कहलाती है। राजस्थानी महिलाओं की अन्य ओढ़नियां दामनी, पोमचा, पंवारी, लहरिया आदि है। तो दोस्तों दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विवाह उत्सव पर पहने जाने वाली पगड़ी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। विवाह उत्सव पर पहने जाने वाली पगड़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। लगभग को सभी को आ रहा है ये क्वेश्चन। दसवें का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मोटड़े की पगड़ी। दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आप इसको नोट कीजिए। दसवें का नोट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में पुरुष द्वारा अवसर विशेष एवं विशेष पगड़ियां पहनने का शौक है। विवाह उत्सव पर विशेष रूप से मोटड़ी पगड़ी
पहनी जाती है। ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। गैरियो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडोर। दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप इसको नोट कीजिए नोटबुक में। दोस्तों मुहतोण नेंसी ने गुजर प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इनमें गुजर प्रत्यारों का मंडोर शाखा सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र इस शाखा का संस्थापक एवं गुरु था। गठियाला शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र के दो पत्नियां थी, एक ब्राह्मण एक दूसरी क्षत्रियाणी थी। क्षत्रियाणी पत्नी का नाम भद्रा था। हरिश्चंद्र को भद्रा से 4 पुत्र हुए, भागभट, कदक, रजिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीत लिया दोस्तों, एवं उसकी सुरक्षा के लिए प्राचियों का निर्माण करवाया। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले